वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगता है, पॉसिबल है कि एक साइड में एक अपमूव मिल सकता है, अच्छा बेस बना हुआ है, नीचे के लेवल से अच्छा अपमूव मिला है, कंटिन्यू करना है और कुछ नहीं, बहुत ही टाइट स्टॉप लगेगा और वो लगेगा करीब 143 का। अगर अपमूव मिलता है तो 150 तक जा सकता है एक साइड। एक्साइड को रखिए रेडार पे। ये हो गया गाबा सर का सबसे तो ऑटो ऑटो एंसरी एज अ स्पेस, ये वाकई बहुत बढ़िया मूव दिखा रही है। शर्मिला जी बैठी हुई है, थोड़ा सी देर से मैं फंडामेंटल एस्पेक्ट पे जाऊंगा। ऑटोज ऑटो एंसरीज में इस तरह का उछाल और उनकी प्रेफर्ड फंडामेंटल पिक्स कौन सी हैं, लेकिन बहेती साहब दोपहर में क्या रेडार पे इस समय की सबसे बढ़िया पिक कौन सी? जाएंगे डॉक्टर साहब, फिर रिपैच करिएगा बहेती साहब को, फिर दिक्कत आनी। आज सुबह भी ऐसे ही हुआ था, शुरुआत ऐसी लड़खड़ाती हुई थी बहेती साहब के साथ, बाद में सब ठीक हो गया था मामला। तो बहेती साहब का जब वो ऑडियो ठीक हो जाएगा तब जाऊंगा अजीत मिश्रा साहब के पास, उतनी देर में चले जाता हूँ। अजीत जी हाय, गुड आफ्टरनून। अजीत जी क्या व्यू बन रहा है आप लोग का बाजार को लेकर? ये जो अप मूव दिख रहे हैं स्क्रीन पर टिकाऊ है या नहीं है, और आपका इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा है? गुड आफ्टरनून आशीष, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो बेसिकली देखिए, जो कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में बात की कि 16100 डेफिनेटली वही एक लेवल है जिसके ऊपर आप कहेंगे कि शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा बाजार में बढ़ेगी, ये नेगेटिव ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव हुए दिखेगा, अदरवाइज ये नेगेटिव बायस कंटिन्यू रहेगा। 15650 जो कि प्रीवियस स्विंग लो था, अगर उसके नीचे हम गए तो 15400 के लिए भी बाजार को तैयार रहना पड़ेगा। बट इन बिटवीन अटेम्प्ट हुए हैं, काफी अच्छे स्टॉक्स में मूव भी आया है, बट क्योंकि कल बैंकिंग में एक ब्रेकडाउन आया आशीष, मुझे लगता है कि वहां पे आपको शॉर्ट पोजीशंस के बारे में देखना चाहिए, और उसमें से जो सबसे टॉप कंटेंडर मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक, इसको आप देख सकते हैं थ्रू पुट ऑप्शन। तो 700 वाली पुट जो कि करीब अभी 23 रुपए पे चल रही है, इसको आप लॉन्ग करें 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करीब 35 रुपए के कंडीशनल टारगेट्स के लिए। आशीष, बैंक निफ्टी शॉर्ट के जितने भी सर्कमस्टेंसेज हैं उन्हें पूरा करता हुआ है, प्लीज़ जरा 33,000 की पुट लेके आइए मंथली कॉन्ट्रैक्ट की, वीकली कॉन्ट्रैक्ट की। मेरे ख्याल से वो 220 के आसपास ट्रेड कर रही है आशीष, 50-100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वो पुट एक वाजिब ट्रेड होगी। स्क्रीन पर रखिएगा 222 पे मेरे ख्याल से ट्रेड कर रही है। डॉक्टर साहब प्लीज़ 33,000 की पुट लेके आइए इसकी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की। आशीष बहेती जी, आईसीआईसीआई बैंक सिंकिंग नाउ, आपकी राय क्या कहती है? और जरा प्लीज पुट लेके आइए, देखें एग्जैक्टली लेना चाहिए। अब प्रीमियम कितना है इस वक्त? इट्स 238। ओके, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा रीजनेबल लेवल मिलेगी तो लेंगे, अभी नहीं। इट्स मैं शायद इसे 210-220 की रेंज में लेने में इंटरेस्टेड हूँ, अभी नहीं। 238.95 पे ट्रेड कर रही है, इट्स स्लाइटली ऑन द हायर साइड। 210-220 का प्रीमियम ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 240। आशीष बहेती जी, आपका ट्रेड मैं सुन नहीं पाया था, ऑडियो में कुछ दिक्कत।